मल्लिका शेरावत काफी समय से फिल्मों से दूर हैं, लेकिन वह सोशल मीडिया के जरिए फैंस के साथ इंटरेक्ट करती रहती हैं। मल्लिका लॉस एंजलिस में लग्जरी लाइफ एंजॉय कर रही हैं। अब हाल ही में उन्होंने अपना एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उनके विला की झलक देखने को मिली है। वीडियो की शुरुआत होते ही एक बड़े दरवाजे जिसमें मल्लिका बाहर आती हैं और अपने डॉग के साथ पूल की तरफ जाती हैं। फिर पूल में जाने के बाद वे पानी से डॉग के साथ खेलती हैं। वीडियो में मल्लिका के विला को देखकर फैंस काफी इंप्रेस हुए। एक ने कमेंट किया, वाह क्या खूबसूरत घर है, तो एक ने कमेंट किया, मल्लिका आपका घर तो काफी खूबसूरत है। वैसे वीडियो देखकर क्लियर है कि मल्लिका वहां अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रही हैं। मल्लिका 2.5 महीने से लॉस एंजलिस में रह रही हैं। वह अपने घर या आउटडोर एरिया की फोटोज और वीडियो शेयर करती रहती हैं। बता दें कि साल 2013 में मल्लिका ने लॉस एंजलिस में शिफ्ट होने की बात कही थी। मल्लिका ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने अपने समय को लॉस एंजलिस अमरीका और भारत में डिवाइड किया हुआ है, तो अब मैं अमरीका में जब सोशल फ्रीडम एक्सपीरियंस करती हूँ और जब मैं वापस भारत जाती हूँ तो वहाँ की महिलाओं को लेकर लोगों की सोच को देखती हूँ, तो एक स्वतंत्र महिला होने के नाते ये देखकर मुझे बुरा लगता है। मल्लिका ने फिल्म मर्डर प्यार के साइड इफेक्ट्स जैसे कई फिल्मों में काम किया। अपनी अब तक की जर्नी पर एक इंटरव्यू में बात करते हुए मल्लिका ने कहा था कि मैंने काम पाने के लिए खूब ऑडिशन दिए, मैंने बिना ऑडिशन के कोई भी फिल्म नहीं की, यहाँ तक कि जैकी चैन ने भी अपनी फिल्म द मिथ में मुझे साइन करने से पहले एक्टर्स का ऑडिशन लिया था। यह प्रोसेस हमेशा से रहा है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि क्या ये इंडस्ट्री के बच्चों के लिए भी ऐसा ही है। जब रजत ने मुझे मेरी अपकमिंग फिल्म के लिए अप्रोच किया तो उन्होंने मेरा पॉपुलर लुक टेस्ट किया और स्क्रीन टेस्ट लिया और यह भी कहा कि अगर वह क्वींस नहीं होंगे तो मैं इस फिल्म में ऐसा नहीं रहूंगी। बता दें कि मल्लिका लास्ट साल 2019 में वेब शो बू सबकी फटेगी में नजर आई थी और अब वह रजत कपूर की अपकमिंग प्रोजेक्ट आर के में नजर आएंगी। तो क्या कहना है आपको मल्लिका शेरावत की इस लग्जरी लाइफ के बारे में, कमेंट्स करके बताइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए बिग स्क्रीन।